ये जो भाई साहब पैंट शर्ट डाली है ये कितना पड़ा होगा आपके हिसाब से? 10 की थी, ये होगी कम से कम 10वीं। देख ले और अच्छे से, थोड़ा थोड़ा कम होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ऐसे कपड़े कुपड़े से लग गया 10वीं की है ऐसे लग गया ना? और कोई विचार? आप जानते हैं इसको भाई, इसको जानते हो? जय बसी की जानते हैं? कभी सुना इसके बारे में? कितना बड़ा हो सकता है ये बंदा? मतलब बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा कि ये बड़ा नहीं लग रहा ना? ठीक ठीक, अब देख लो। इन्हें आगे ले आओ। अब ये जो भाई साहब इन बच्चों का बाप, उस पर कैमरा मारो। जो लोग तो इसको जानते हैं, जिनको मैंने बता दिया, और जिनको नहीं पता, गेस करो इस बंदे के बारे में, ये पढ़ा होगा या नहीं, गेस करो। जो लोग इसे नहीं जानते वो लोग, कोई गेस कर सकता है? थोड़ा बहुत पढ़ा है या नहीं, बोलो। जो नहीं इसको जानते वो करो। आप जानते इसको? नहीं जानते? पक्का डन? उससे बात करो, माइक लो, खड़े जाओ। हाँ, ये जो भाई साहब पैंट शर्ट डाली है ये कितना पड़ा होगा आपके हिसाब से? जय मसीह की। पापा ही पढ़े लिखते लगते हैं, जैसे 10 की थी, की होगी कम से कम 10वीं। देख ले और अच्छे से, थोड़ा कम होगा थोड़ा सा, लेकिन आपको ऐसे कपड़े कुपड़े से लग गया 10वीं की है ऐसे लग गया ना? और कोई विचार है? उनके हिसाब से 10वीं है, जानते कुछ ना कुछ तो। हाँ हाँ, आप जानते हैं इसको भाई, इसको जानते हो? जय मसीह की जानते हैं? कभी सुना इसके बारे में? कितना बड़ा हो सकता है ये बंदा? मतलब बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा कि ये पढ़ा है, नहीं लग रहा ना? ठीक है, अब देख लो। ये PhD कर रहा है अभी भाई, PhD क्या कर रहा है? ये गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है। गवर्नमेंट कौन से स्कूल में भाई? नखाम बताओ इसे, स्कूल है या कॉलेज है? राजकीय इंटर कॉलेज। कॉलेज है, कॉलेज में आप प्रिंसिपल हो जी। आपने कौन सी चीज पढ़ाते हो स्कूल में, अगर पढ़ाना तो? कॉलेज इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश, इंग्लिश के आप टीचर हो जी। सोचो, क्योंकि हम देखते हैं बाहरी लोग। अगला, इंग्लिश में MA की है उसने, अभी PhD कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बताता हूं, इसमें बड़ा विषय है। ये ना एक मिनिस्ट्री में गए, मैं क्यों बताने वाला हूं ये वक्त, क्या पंजाब की एक मिनिस्ट्री में गए तो ऐसे गए, उस समय दिन के हालात भी बड़े थे। उन्होंने इनका हुलिया लिया सिस्टम देख के इनको ट्रीट ही नहीं किया अच्छा, इन पर ध्यान ही नहीं दिया अच्छा। आप समझते हो, ये उस मिनिस्ट्री में 2-3 दिन रुके रहे, कहते हमने उस खुदा के दास से मिलना है, लेकिन वो इनको नॉर्मली ले रहे थे कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इनके बल्ले क्या है, ऐसा करके बाहरी रूप देखकर, ठीक है। तो उन्होंने ट्रीट नहीं किया, इन्हें मिलाया नहीं अब दास से, ठीक है ना? आप सीखने वाला विषय आपके लिए। उसके बाद 2-3 दिन रुक कर के बात तो हो नहीं रही, ये वापस जाने लगे थे, तो उस दास का जो बाप था, पिता, वो लोगों से थोड़ा बहुत मिलता था, बात सुनता था, अगर मछली जाल में फंसने वाली है तो उस पर ध्यान देता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, समझ रहे? ये बुराई नहीं है, लेकिन सीख है, सीख। बाइबल में भी ऐसी बातें लिखी है समझाने के लिए, बुराई नहीं है, पढ़ो, ऐसा सीखने के लिए बड़ा कुछ लिखा है। जब इसने 7,000 उनको दे दिया, बो दिया कि ये हमारा बीज रख लो, पहले तो उसने थोड़ा सा लबाबा था तो लेकर रख लिया, उसने सोचा वैसे डाल दिया होगा। जब ये बाहर चले गए चर्च से, उसने बीज देखा, पीछे भाग गया, आओ आओ तुम्हें मिला देते हैं खुदा के दास से, आओ। 7,000 आदमी आ गया, सोचने वाली बात, लेकिन इन्हें फिर मिले नहीं, ये वापस आ गए। फिर इनको हमारी मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। जब ये पहली बार आई ना, पहली बार ही आए, पहले दिन ही मैं 1 घंटा बैठा इनके साथ,
बिना ये समझकर कि ये कौन है, क्या है, पूछ लो इनसे। एक गंडा बैठा, इनको बड़ी चीजें मैंने सिखाई, दूर से आए फिर इनको खाना खिलाया, मैंने भी खा लिया बैठकर साथ में। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब सोचो मेरे दिमाग में ये तो नहीं है कि ये पढ़े लिखे हैं या कौन है कौन नहीं है, मेरे दिमाग में ये है कि ये खुदा के बच्चे हैं, इनकी रूह बचनी चाहिए, ये आगे जाने चाहिए, ये ब्लेस होने चाहिए। हालेलुया। अभी ना ये क्योंकि इनको उत्तराखंड में इनकी जॉब है, ड्यूटी है, मुझे याद है जब ये शुरू हुए तब भी इन्होंने अपना बीज वफादार से बोया, जो भी इनका बनता खुशी से, आनंद सिस्टमेटिक। ये जो बच्चे ना इनके तीनों, तब इन्होंने मुझसे बात की कि ये आपस में झगड़ा करते हैं, कोई अच्छे से हमारी बात नहीं मानते, कोई अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, हमें बड़ी इनसे परेशानी होती। तब मैं इनको समझाने लगा कैसे अच्छा हो जाएगा, कैसे आपके बच्चे जबरदस्त हो जाएंगे, देखना एक दिन आएगा ये बच्चे आप इन पर मान करोगे, लेकिन जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे करो, ऐसे चलो, ठीक है? आज इनके ये जो बच्चा है बेटा और वो बेटी, छोटा वाला नहीं, तू छोटा वाला छोड़कर ये बेटी और बेटा, कौन सी तैयारी कर रही हैं लोग, क्या क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बनने की तैयारी कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं ये बच्चे। देखने में तो आप शरीर से जज करते हो ना, बाहर से आप लोग सोच कर देखो, आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने आत्मा में इन्हें ब्लेस किया है 100%। मैंने कहा ये बनेंगे, ये मेरे मुंह के वर्ड हैं इनके लिए। जानते क्यों? अभी ये जनवरी में आए थे, दिसंबर में नए साल में, उसके बाद ये एनिवर्सरी पर आए, कम से कम 6 महीनों बाद अपना इन्होंने बीज निकाल कर दिया। ऐसे ना ऐसे लिस्ट बनी होती है बीज के ऊपर, इस मंथ का इतना 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 इतना, पूरे 6 महीने का, ठीक है? 6 महीने का लगभग इनका बीज काफी था इनकी सैलरी के हिसाब से, ठीक है? वो था 1,30,000 6 महीनों। फिर इन्होंने एक और पैकेट दिया मुझे, वो 65,000 था 6 महीनों में। वो 65,000 था जब ये संगति देखते थे तो उस समय जो बोते थे ऑफरिंग, सीड नहीं, ताइथ नहीं, अलग से जो अपनी ऑफरिंग बोते थे, देख के मीटिंग को के हमने बोना है, वो 65,000 था एक पैकेट। वो था एक पैकेट था आपने अनाउंस किया था पंखों के लिए, वो 40,000 था। सोचो कितने वफादार है। और हमारी मिनिस्ट्री में इन लोगों ने, हमने ये सोचा ही नहीं कि ये गरीब है, ये पढ़े लिखे हैं कैसे, हमने तो बस रूह देखा, खुदा की रूह देखा कि ये रूह है, इसको बचाना है। इन्होंने हमें बताया वो बात, हमें थोड़ी पता था, इन्होंने बताया हम ऐसे गए, हमें ऐसे ट्रीट किया, जब इनके दिल में आ गया ये आप पैसों के लिए चाहते हैं हमें मिलना, पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन हम तो पहले मिले। हालेलुया। क्यों जी ऐसे हुए ना, पहले मिले ना, हमने तो कुछ पूछा नहीं आप कौन हो क्या नहीं हो, वो तो मिलने के बाद हमें पता चला जब हम मीटिंग कर रहे थे आराम से। कितने लोगों को समझ आ रही है परमेश्वर के राज्य की, लोगों के जीवन की। अब इनके बच्चे बड़े अच्छे हैं, प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं अभी मीटिंग किया, फिर इनसे पूछा मैं, आप तो कॉलेज में पढ़ाते हो तो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कितनी दूर हैं? कहते हैं 70 किलोमीटर दूर, वहाँ एक कमरा लेकर दिया है किराए पर। तो मैंने बोला ये दोनों रहते? कहते हाँ। तो खाना पीना खुद बनाते हैं दोनों ही, इधर बच्चों को पढ़ाओ, पीजी चाहिए, वो खाने वाला चाहिए, इतना वो खुद दोनों बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपना खाना खुद, जैसा भी उनको बनाना नहीं आता था लेकिन लगे खुदा के साथ। और सोचो खुदा कितना ब्लेस करेगा। हालेलुया। इसलिए शरीर से किसी को जज ना कर, बाहर से ना देखना कि ये सुंदर है, इसका नाक तीखा गोरा चिट्टा है, सुंदर बड़े कपड़े पहनता है, ये चीजें मत देखो। खुदा के राज्य में ये चीजें नहीं चलती।
परमेश्वर के राज्य में चलता है मन। अगर मैं अपनी सच्चाई सेवा कर रहा हूं, सच्ची सेवा दुनिया को हिलाएंगे, इतनी बड़ी ये सेवा होगी। अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी शैतान मेरी शिक्षा को नहीं चाहता कि आगे आए, दुष्ट नहीं चाहता कि जो मैं सिखाता हूं। सुने तो देखो आप लोग, इधर ध्यान दो मेरी तरफ, ठीक है? सारे जने ध्यान दो। परमेश्वर की जो सही शिक्षा है बिब्लिकल, वो शैतान नहीं चाहता लोगों को पता चले। अगर तुम यहां जुड़े हो तो अब तक तुम्हें बड़ा समझ आना चाहिए डिफरेंस सही वचन का, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आती, ऐसे बस गोलमोल चलते रहते, इसीलिए कई चीजें आगे पीछे रहती है। तुम्हें जो कुछ मैंने ब्लेस किया ना, उसका बल आना ही आना है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जीपी जिज्ञासु गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। मेरी गवाही अभी आप लोगों ने सुनी, लेकिन कुछ बातें रह गई हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं मसीहत में नहीं था तो उस समय हमारे जीवन में बहुत सारे हालात चलते थे, बहुत सारी समस्याएं थी। हम नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हालात बने रहते थे, हम कर्ज में बने रहते थे, कर्ज लेते थे, तनख्वाह पाने के बाद भी हमारा पैसा खर्च हो जाता था, कर्ज लेकर के हम काम चलाते थे। हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन हमारे जीवन में एक भाई के द्वारा हमें प्रभु की का गुड न्यूज़ मिला, जिनके माध्यम से हम प्रभु को जान पाए। प्रभु को जानने के बाद सबसे पहले हमने एक बात बाइबल की ये पकड़ी कि बीज बोना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का आदेश है कि हमें दसवांश, अपना अपनी कमाई का दसवां हिस्सा देना चाहिए। और ये 12-13 साल पहले की बात है, 12-13 सालों से मैं मसीहत में हूँ, लेकिन हमको ये पता नहीं था। जब ये पता चला तब से मैं प्रभु का वचन पालन कर रहा हूँ, वचन पूरा कर रहा हूँ, दसवांश अपना मैं निकालता रहा हूँ, हमेशा निकालता रहा हूँ। लेकिन कुछ समय चलने के बाद जो जिस भाई के द्वारा हमें प्रभु का गुड न्यूज़ मिला, उनके द्वारा हम रीतियों में गए, कई सारी बातें हुई जिसकी वजह से हमें काफ़ी वहाँ से धोखा मिला। और धोखा ये मिला कि हमें गाइड करना उनके द्वारा बंद कर दिया गया, और कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग रहे जिसकी वजह से जो हम चाहते थे कि प्रभु कौन है उनके बारे में हम जाने, गहराई से जाने, हमें टीचिंग मिले, प्रॉपर टीचिंग मिले, ऐसी कोई टीचिंग करने वाला हमें नहीं मिला। हम जो खोज रहे थे सच में वो मिला नहीं। बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। उसी बीच में हमारे पिताजी का डेथ हो गया, तो काफ़ी हम लोग विचलित हो गए कि मन जो है विचलित हो गया, लेकिन परमेश्वर की चमत्कारों को कुछ हम देख चुके थे, तो हमने सोचा कि कुछ तो सच्चाई है। बाइबल थी हमारे हाथ में, हम लोग रात रात भर बातें करते रहते थे, तो कभी इस बात से हम लोग रोते भी थे कि पिता आपने हमें अपना वचन तो बताया, हम तक पहुंचाया, लेकिन हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। तो प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, बार बार ऐसे सोचते रहते थे, 24 घंटे दिमाग में रहता था कि ये छटपटाहट ऐसी होती थी कि हम प्रभु को जाने, कोई बताने वाला हमारे पास नहीं है। तो हम सुखपालाना मिनिस्ट्री का वीडियो देखे यूट्यूब पर, जब हमने देखा तो हमें देखते ही हम लोगों को लगा, फिर और वीडियो देखा हमने, और वीडियो देखा देखा, उसके बाद तो हम लोगों का तुरंत मन बना। हमने कहा परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है और ये परमेश्वर के दास हैं, इनसे मुझे मिलना है। तो हम यहाँ के लिए तैयारी की, हम
अमृतसर नहीं जानते थे ना देखे थे कभी। हमने उस समय इतना बड़ा हम लोगों का मन बना था कि हमारे पास साधन कुछ था नहीं, हम एक गाड़ी बुक किए, गाड़ी बुक करके आए, बहुत पैसा लगा, गाड़ी बुक करके आए, 15 दिन हम यहाँ पर रहे, परमेश्वर के दास से हमें मिलाया गया। तो जितनी शंकाएं थी, जितनी सारी बातें हम लोगों के दिमाग में थी, सबका समाधान परमेश्वर के दास ने किया और इतना प्यार किया हम लोगों को। पहली बार हम लोग मिले थे, लोग तरसते हैं कि परमेश्वर के दास से मिले, लेकिन पहली बार हम मिले थे, ना उनके अंदर कोई लालच देखा मैंने, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं, इतने सीधे, इतने सरल स्वभाव के प्रभु के जैसे। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम तब से परमेश्वर के दास के द्वारा जो हमें सिखाया जाता है उसको हम सीखते हैं और उसमें हम चलने की कोशिश करते हैं, और जहाँ समझ में नहीं आता हम पूछते हैं। और उसके बाद से जो हमारी, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे उसके पहले हमारे जीवन में हालात जितने चलते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, कर्ज में डूबे रहते थे, लेकिन जब हम और दशमांश भी नहीं जानते थे, देते भी नहीं थे, तो जब पैसा खर्च भी नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा हालात होता था। इसी बीच मेरे जीवन में एक हालात आया कि मेरी पत्नी को बड़ी प्रॉब्लम थी, पित्त की पथरी की प्रॉब्लम थी और उनको माइग्रेन की समस्या थी, लेकिन पिता परमेश्वर ने इस हालात से भी छुटकारा दिया जब हम परमेश्वर के दास से मिले, प्रार्थना हुई और इस प्रॉब्लम से भी हम लोगों को छुटकारा मिला। और परमेश्वर ने हमें एक बड़ी ब्लेसिंग दी, एक बोलेरो फर्स्ट आप गाड़ी से हम लोगों को ब्लेस किया परमेश्वर ने। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी तनख्वाह इस समय 1.25 लाख के आसपास है, तो इतनी तनख्वाह पाता था, लेकिन इतनी तनख्वाह पाने के बाद भी, बहुत काफ़ी तनख्वाह पाने के बाद भी हमारा गुजारा नहीं होता था, हमको इधर उधर कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन आज मैं ब्लेस हूँ और ठीक सही ढंग से मैं अपने दशमांश परमेश्वर को अर्पित करता हूँ, देता हूँ, और मैं ब्लेस हूँ। हमारे बच्चे ब्लेस हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रही है, हम सब ब्लेस हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर चुका है। लेकिन जब प्रभु को हम जान गए तो, और परमेश्वर के दास विशेष तौर से मसीहत में तो बहुत सालों तक रहे, लेकिन हमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ हमें बरकत नहीं मिल पाई, क्योंकि हम रिचुअल हो चुके थे, हम रीतियों में जा चुके थे, हम तेल रखते थे, पानी रखते थे और रुमाल रखते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, हालात बने रहते थे। लेकिन जब हम यहाँ मिनिस्ट्री से जुड़े हैं उसके बाद से हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियाँ बनी हैं, बहुत सारी गवाहियाँ बनी हैं, और हम कर्ज नहीं लेते हैं, हमारे ऊपर हमारी बरकत आई, हमारे जीवन में बरकत आई, हमारा पद बढ़ा, और मसीहत के वजह से हमारे खिलाफ लोग गए, हमें सस्पेंड भी कराया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया, हमें वो प्रधानाचार्य की कुर्सी दी। आज मैं प्रधानाचार्य के पद पे काबिज हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के दास पॉल सुखपाल राणा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कि पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने वचन में कहा है कि मैंने तुझे तेरा मन चाहा चरवाहा दे दिया है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ दिल से कि हमें इतना महान चरवाहा दिया, जो दुनिया में ऐसा चरवाहा नहीं मिल सकता है, कलीसिया दुनिया में ऐसा चरवाहा नहीं मिल सकता। हम काफ़ी हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं अपने चरवाहे के लिए, हम हृदय से उनका सम्मान करते हैं, खुदा के दास हैं और नबी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और मुझे विश्वास है, भरोसा है, बहुत बड़ा भरोसा है, हम परमेश्वर के दास की अगुवाई में, उनकी चरवाही में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर के दास का धन्यवाद, परमेश्वर के दासी का धन्यवाद देते हैं, पूरी कलीसिया का धन्यवाद करते हैं, सबको जय मसीह की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहां आ सकते हो सुखपाल राधा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारन रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा।
ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।